हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ केले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने बहुत बार केले की सब्ज़ी खाई होगी, एक बार इस तरीके से बना के देखिए। ट्रस्ट मी, बहुत डिलीशियस बनती है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। तो बिना किसी देरी के देखते हैं अपनी डिलीशियस रेसिपी को। सबसे पहले सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो कुछ मसालों को भूनना है। ये जीरा मैंने लिया है, इसको भून लेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी ये सौंफ है, ये धनिया, इनको भी भूनना है। थोड़ी सी ये काली मिर्च और लौंग, मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करेंगे, नहीं तो जो भी मसाले हैं वो जल जाएंगे। ये देखिए मसाला रोस्ट हो चुका है, इसको अभी क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। देखिए इस तरीके से, मसाला क्रश हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। देखिए इसी तरीके से कर लेंगे, मसाले को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे कुछ केले लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, अभी इनको कट करके छील लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से इनका जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हटा देंगे, इसी तरीके से छील लेंगे। केले को छील के इसको कट कर लेंगे। देखिए केले को मैंने कट करके इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। अगर आप केले के बड़े पीस रखना चाहें तो आप अपने हिसाब से रखिए। देखिए इस तरीके से मैंने सारे केलों को कट कर लिया है। इन कटे हुए केलों में थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं मिलाना है, मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिए हैं। थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये मसाला जो हमने भून के तैयार किया था वो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मसालों को ऐड नहीं करना है क्योंकि हम ऑलरेडी मसालों में सब चीज़ें ऐड कर चुके हैं। इसको हम हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे। केले के ऊपर अच्छी सी कोटिंग कर लेंगे बेसन और मसालों की। इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए कोट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए केलों के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो गई है। 5 मिनट के लिए इनको रख देंगे। 5 मिनट के बाद में इनको फ्राई करेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे इसको। इसके बाद हमने जो केले बेसन में कोट करके रखे थे उनको फ्राई करने के लिए डालेंगे। 5 मिनट रखने से जो हमने केलों में नमक मिलाया था उसकी वजह से मॉइस्चर लूज़ हुआ है और ये आप देखिए जो बेसन था वो गीला हो गया है। अब हम जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत क्रंची से हो जाएंगे ये केले। देखिए इस तरीके से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए जो बेसन था ऊपर वो एकदम सूख चुका है। इसी तरीके से आपको फ्राई करना है। केले फ्राई हो चुके हैं, इनको साइड में रख देते हैं। सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए मैंने ये लहसुन लिया है, इसको छील लिया है। अदरक है और हरी मिर्च है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। ये प्याज है, इसको भी पीसेस में कट कर लिया है, इनका पेस्ट बना लेंगे। ये टमाटर हैं, इनको भी कट किया है, टमाटर का अलग पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़े से ये सरसों के दाने हैं डाल देंगे, थोड़ा सा ये जीरा, ये सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता सौटे कर लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पे जो गैस का फ्लेम है वो हाई टू मीडियम रखेंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे मसाले को। इस तरीके से चलाते रहेंगे। सूखे मसालों में ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये जो मसाला हमने भून के तैयार किया था वो डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें मिक्स कर चुके हैं। अच्छे से भूनना है मसाले को, तब तक भूनना है जब तक इससे जो तेल है वो अलग ना होने लग जाए। मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है, जो ऑयल है इससे सेपरेट होने लग गया है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी मसालों के साथ में, तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए सब्ज़ी का जो मसाला है वो बॉयल होने लग गया है और इसमें अभी पानी ऐड करेंगे। पानी आप उसी हिसाब से ऐड करें जिस हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, चलाते रहेंगे। ये देखिए जो ग्रेवी है वो बॉयल होने लगी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये दही ऐड करूँगी। दही को अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो दही को मैश करके डालिए, क्योंकि इसमें जो दही की छोटी छोटी गांठें हैं वो आपको पसंद नहीं है तो आप मैश करके डालिए। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो गई है, यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक को हम दही के बाद में ही ऐड करेंगे, नहीं तो जो दही है वो फट जाएगा और ग्रेवी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। इसको भी ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसमें जो हमने फ्राई करके केले रखे थे अभी इसमें ऐड कर देंगे तरीके से, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको ग्रेवी के साथ में। अच्छे से चला लेंगे सब्ज़ी को, देखिए, और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 मिनट के बाद में सब्ज़ी को चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तरीके से चला लेंगे इसको। केले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कटे हुए धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको भी। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मुझे इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है। डिलीशियस केले की सब्ज़ी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप चपाती, पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी इस नए तरह की केले की सब्ज़ी को बनाइए, खाइए और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।